वेलकम टू सियात मना है पीओ की एक सर्वे सामने आई है जिसके ऊपर टॉक ऑफ द टाउन है जिसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्राउंडिंग्स है और काफ़ी सारे सरप्राइजिंग और काफ़ी नॉन सरप्राइजिंग जो उनके शुमार उन्होंने जमा किए हैं वो सामने आए हैं जो नटशल में अगर आपको बताएं तो यह कि पाकिस्तान में जितनी नफरत पाई जाती है अमरीका के लिए वो वो जॉर्डन के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती एक और बात जो ज़्यादा अहम ये कि जहाँ पर तालिबान का सबसे ज़्यादा होल्ड है वहाँ पर तालिबान के खिलाफ सबसे ज़्यादा नफरत है और जो इंटरेस्टिंग बातें हैं उनमें यह कि हमारे कियानी साहब और चौधरी इफ्तार साहब को पॉलिटिकल लीडर्स में लंप करते हुए उनके बारे में लोगों के तसुर जब जाने गए तो वो ज़ाहिर पॉपुलर हैं मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत पॉपुलर है एक और बड़ा इंटरेस्टिंग uh, स्टस्टिक ये कि जद्दारी साहब की मकबूलियत बारह है और पाकिस्तानी पुलिस की मकबूलियत चौबीस फ़ीसद है यानी कि जद्दारी साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी पुलिस पाकिस्तानी पुलिस के आधे मकबूलीत पर खड़े हैं और और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं ये जो इंतहा पसंद जमाते हैं लश्कर तैयबा है अलकायदा है तालिबान है तरीक तालिबान है अकानी नेटवर्क है और अफगान तालिबान है इन सब का अलग अलग जब पूछा तो जो पंज वक्ता नमाजी थे उनको ये ज़्यादा बुरी लगती हैं और जो पंज वक्ता नमाजी नहीं हैं उनको ये जमातें इतनी बुरी नहीं लगती यानी कि जो पाँच दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं दिन में उनके लिए उनके नंबर ज़्यादा थे लश्कर तैयबा पैंतालीस फ़ीसद को बहुत बुरी लगती थी अलकायदा बासठ फ़ीसद को बहुत बुरी लगती थी बहत्तर फ़ीसद को तालिबान बुरी लगती थी और यही बहत्तर फीसद तालिबान की बासठ फीसद हो जाती है जब आप से उनसे पहले सवाल किया होगा कि आप पाँच दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सर्वे जो है वो सवाल सही से कर भी रही थी कर रही थी तो किससे कर रही थी और किस नीयत से किए जा रहे थे और फिर हमें ये क्यों नहीं बताया कि किस से पूछा कहाँ पूछा उन्होंने जवाब किस ख्याल से दिया क्योंकि ये जो ये पंच वक्ता नवाजी वाला सवाल है अगर आपसे कोई आगे पूछे कि आप पाँच दफ़ा नमाज पढ़ते हैं या नहीं और आप सच बोल दें कि नहीं पढ़ता और फिर अगला सवाल ये पूछे कि आपको तालिबान पसंद है नहीं तो आप शायद सच ना बोलें डर के आप कह दें कि जी वो मुझे नहीं पता यार बट ठीक है आप बच जाएँ मेरे ख्याल से कुछ नंबर्स हैं पाकिस्तान की मीशत के हवाले से नौ फ़ीसद लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी मीशत सही रुख पर चल रही है या तो इस सर्वे के अंदर मार्जिन फर एरर नौ फीसद है या फिर आप इससे ये हिसाब निकालें कि क्योंकि बारह फ़ीसद लोग जद्दारी साहब को पसंद करते हैं तो उसके बाद उन्होंने सारे बाकी जवाब जो हैं वो ऐसी दिए कि जो जद्दारी साहब को पसंद आए कि जैसे जदारी साहब खुद ये सर्वे पढ़ रहे थे तो उन बारह में से नौ फीसद ने यह भी कह दिया कि जी मीशत भी ठीक चल रही है खैर बाकी तकरीबन अस्सी फ़ीसद लोगों ने यह कहा कि नहीं जी बुरा हाल है और गवर्नेंस का पीपल्स पार्टी के आप जितने जान सारों आप जितने लिबरल हों रोशन ख्याल हों आपको जितनी आईनी तरामीम अच्छी लगती हो जितनी पार्लियामेंट्री सॉवरिटी पसंद हो आपको इस बात पर तो कम अस कम सर झुकाना पड़ता है कि इनको गवर्नेंस जो है वो शायद भूल गए हैं या करने की अभी प्रायोरिटी नहीं है हमारा आज मेहमान है मज़र अब्बास साहब डायरेक्टर करंट अफेयर्स एक्सप्रेस टेलीविजन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर और हमें सईद गनी साहब भी जॉइन करेंगे आफ्टर द ब्रेक होप सर साहब ये सर्वे आई है बड़ी फ़नी है ये आपने कहीं देखा है कि किसी मुल्क में सर्वे होती है तीन सियासी लीडर्स के साथ एक जनरल को एक चीफ जस्टिस को और एक बडिंग पॉलिटिकल क्रिटिक को साथ जोड़ के फिर आपको बताएं कि वो पॉलिटिकल क्रिटिक सबसे ज़बरदस्त हैं देखिए इस जिस मुल्क में इलेक्शन इंजीनियर्ड होते हों उस मुल्क में कोई भी आप बहुत ही अच्छा सर्वे कर लें उसकी कोई है, हैसियत होती नहीं उसकी कोई अहमियत होती नहीं इस मुल्क के अस्सी परसेंट इलेक्शन जो हैं वो इंजीनियर्ड हैं रिज़ल्ट इंजीनियर्ड होते हैं ये लास्ट इलेक्शन से लेके उससे पहले इलेक्शन आप लगा लें उससे पहले जितने इलेक्शन हुए हैं. तो बेसिकली पॉपुलरिटी आप सर्वेस के थ्रू जो भी कर लें लेकिन जो मिनोवरिंग होती है वो वो बिल्कुल दूसरी होती है वो सर्वे सर्वे के रिजल्ट्स जब इलेक्शंस आते हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स कुछ और होते हैं सर्वे कुछ और होते हैं आज तक ये नहीं देखा गया कि जो जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक ही रिजल्ट्स आए हों ऐसा आ, मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह की कोई चीज़ रही हो ये सर्वे बड़ा बड़ी बड़ी दिलचस्प है इसमें सबसे मुझे जो इंटरेस्टिंग पार्ट लगा है वो इंस्टीट्यूशनस है इंस्टीट्यूशन में जरदारी साहब मिलिट्री पुलिस ये ये कॉम्बिनेशन मुझे नहीं समझ में आई जरदारी साहब को ज़रा आखिर में आकर लगाए मज़ा साहब मिलिट्री सतर फ़ीसद लोगों को पसंद है नहीं मीडिया अड़सठ फीसद लोगों को पसंद है रिलीजियस लीडर्स कोर्ट सिस्टम नेशनल गवर्नमेंट पुलिस जरदारी ये कौन सा इंस्टीट्यूशन मतलब वही <laughs> वही मतलब ये मेरी समझ में नहीं आया हो सकता है कि ये जो सर्वे करने वाले लोग हैं वो शायद इसकी वजाहत करेंगे क्या जरदारी को एज एन इंस्टीट्यूशन पेश कर रहे हैं वो ये इसमें यहाँ यहाँ प्रेसिडेंट होता है या प्रेसिडेंट ऑफिस होता तो समझ में आती है बस पार्टी होता। तो होती या पार्टी होती या पार्टी सर्वे होते हैं इसमें और बहुत सी चीजें दूसरी ये कि इसमें ये नहीं है कि ये सर्वे कितने लोगों की बुनियाद पर किया गया क्या इसके इसमें ये तो परसेंटेज दी गई हैं ये नहीं दी ये नहीं दी कि क्या आपने दस लाख लोगों से सर्वे किया है एक लाख लोगों से किया है एक करोड़ लोगों पर मुश्तमल ये सर्वे है जिसकी बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं हो सकता है जो इन्होंने परसेंटेज की हो वो ठीक हो लेकिन कितने अफराद पर मुश्तमल ये सर्वे हुआ है उसकी वजाहत कहीं भी मैंने ये पढ़ा है कि उसमें मुझे कहीं नज़र नहीं आई हो सकता है कहीं मैंने मिस कर दी हो लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं है हैं फिर फिर इसमें रिलीजियस पार्टीज़ को बाइफरकेट नहीं किया गया बस सारे जो मजहबी यानी जो जमत इस्लामी है उसका अपना एक वोट बैंक है उसकी अपनी एक एक वो है जमयतमा इस्लाम है वो बिल्कुल उसकी मुख्तलिफ फॉलोइंग है जमयतमा पाकिस्तान है ये तीन वो जमतें हैं जो जो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती हैं उसके अलावा बहुत सी जो जो जमातें हैं वो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती लेकिन उनकी उनकी अच्छी फॉलोइंग उतनी हैं यानी इसमें लश्कर तयबा को दिखाया गया है लेकिन जमत दावा नहीं है इसमें इसका मतलब या तो जमात उ दावा के बारे में उन्हें नहीं पता <laughs> तो जमात उ दावा इसमें नहीं है इसमें और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो ये मुझे इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी लग रहा है इसमें इस पूरे इसमें कि जो जिन लोगों के थ्रू ये तैयारी करवाई गई है फिर ये कि क्या ये सर्वे अर्बन बेस्ड है या इसमें रूरल पॉपुलेशन भी शामिल Direct है डायरेक्ट है, है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट है. है वो है तो इसकी अगर हो सकता है कि अगर इनसे इंक्वायर किया जाए तो इसकी वजहत कर लें कि जी फाइव 10, uh, थाउजेंड तो उससे ज्यादा हमें बेहतर अंदाजा करने एक, में मदद मिलेगी एक और नंबर था आपका आपने पॉइंट आउट किया था अभी मतलब 60 60 फीसद के लगभग लोग हमारी कोर्ट कचहरी से खुश हैं ये, ये सही हो सकता ये, ये कोर्ट कचहरी इनकी मुराद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है तो शायद ठीक हो जी अगर ये सुप्रीम कोर्ट इसमें मैंशन होता तो शायद मैं इससे एग्री करता लेकिन लोअर कोर्ट्स की तो हालत वही है आप जाके लोअर कोर्ट्स में आप आप सिटी कोर्ट्स में चले जाएं आप सेशन कोर्ट्स में चले जाएं माँ सिवाए ए, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जगह तो दस दस साल से केसेस पड़े हुए हैं भाई साहब आप सेशन और सिविल कोर्ट को तो छोड़ दीजिए हाई कोर्ट में हालांकि जजेस बहुत काबिल है। है हैं ही नहीं जजेस आधे जजेस से कम की ताकत है केसेस पे केसेस फाइल पे फाइल आप अब देखिए अगेन अगेन जब आप ये कोर्ट का मेंशन कर रहे हैं तो कोर्ट कौन सी कोर्ट जनरली सारे कोर्ट्स आई डोंट थिंक सो सही और एक और नंबर जो स्टार्ट लिंक जो आपने पॉइंट आउट किया बहत्तर फ़ीसद लोग इंडिया के साथ एक मनफी राय रखते हैं लेकिन बासठ फीसद लोग इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं ये भी अगेन कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी उसमें ये तो हो सकता है कि आप किसी एक आम आदमी से जाके उससे कहें हाँ इंडिया ये ज़्यादी करता है लेकिन आप उससे ये पूछेंगे कि इंडिया के साथ तल्लत बेहतर होने चाहिए तो वो शायद कहे कि हाँ तल्लु बेहतर होने चाहिए कल आप वीज़ा वीज़ा रिस्ट्रिक्शन हटा लें आपको ख़ुद नज़र आ जाएगा कि कितने फ़ीसद लोग जो है यहाँ से इंडिया जाते हैं इंडिया से पाकिस्तान आते हैं शौक से जाते हैं दु, फैमिली जाते हैं, हैं। अगेन जब जब टॉकिंग रिलेशनशिप विद इंडिया तो आपने कहाँ सर्वे किया है किस चीज़ पर जब तक ये ये हमें नहीं पता चले कि ये सर्वे हुआ कहाँ है कौन सी पॉपुलेशन एड्रेस की गई है इसमें तब तक मेरा ख़्याल है इसके फिगर्स को और इसकी सर्वे का एंगल कौन है सर्वे का सब्जेक्ट कौन है सर्वे का डिलीवरी किसको है यानी ये किसको किसक सम... हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए तो आई एम सॉरी बेवकूफ़ या हमें इनलाइटन करने के लिए पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए तो नहीं है क्योंकि अभी बहुत बहुत से सर्वेज आएंगे देखिए अभी इलेक्शन के करीब करीब जैसी इलेक्शन के करीब जाएंगे हम वो बहुत बहुत से आएंगे ये बात ये बात ठीक है जैसे अगर आप वैसे सियासी रहनुमाओं की बात करें तो शायद शायद हमें भी ये लगे कि हाँ जरदारी साहब से आप किसी भी आदमी से बात करेंगे तो वो एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी का सपोर्ट है तो क्या पीपल्स पार्टी इससे जाहिर ही होता है कि क्या पीपल्स पार्टी के अंदर भी अगर सर्वे किया जाए तो जरदारी साहब की यही तो पॉपुलरिटी पीपल्स पार्टी की अपनी जो स्टैंडिंग है अपना वोट बैंक है क्या इमरान खान ने वो वोट बैंक कैच किया है मेरा नहीं ख्याल कि कहीं इमरान खान ने अगर किसी का वोट बैंक डैमेज किया है तो वो नवाज शरीफ हो सकते हैं लेकिन इसमें नवाज शरीफ नंबर टू हैं जी तो फिर इमरान खान कौन सा वोट बैंक ले गया ये ज़रूर है कि इमरान खान ने अपना एक वोट बैंक बनाया है इसमें कोई शक नहीं है सही जो यूथ है वो लार्जली इमरान खान की तरफ देख रही है और ये भी है कि रिलीजियस पार्टीज जैसे उलमा इस्लाम है या इवन जमत इस्लामी है उसका खैबर पखतूनख्वा और फाटा में जो वोट बैंक है वो इमरान की तरफ़ गया होगा अफेक्ट होगा अफेक्ट होगा हुआ है जमात इस्लामी अगर खैबर या कुछ जगहों पर ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ जमात इस्लामी में एक डिसेंट भी है उसमें एक रिजनमेंट्स भी पाई जाती है वो हो सकता है कि पश्तून जो है पश्तून वोट बैंक जो है वो इमरान की तरफ देख रहा है उसमें ये नज़र आता है ये आप यहाँ भी कराची में भी अगर आप टैक्सी और टैक्सी में जाएँ और जाएँ तो पश्तून जो है वो इमरान को पसंद करता है यूथ इमरान को पसंद कर रहा है वो कैपिटलाइज कैसे होगा इलेक्शन में ये एक अलग बात है देखना लेकिन पोलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में पोलिटिकल पार्टीज़ का वोट बैंक बहुत कम टूटा है लेकिन अगर अगर डिवीजन जैसे मुस्लिम लीग का वोट डिवाइड है मुस्लिम लीग का वोट डिवाइडेड है इमरान खान अगर वोट बैंक कैच कर सकता है तो वो मुस्लिम लीग का वोट बैंक कैच कर सकता उस है। नजरिए है के अंदर अंदर बहुत कम परसेंटेज ऐसी होगी पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को गाली दे रहा होगा यकीन दे रहा होगा जैसे आपने कहा कि इससे खराब गवर्नेंस हमने नहीं देखी कभी भी पीपल्स पार्टी ट्रडिशनली पुअर गवर्नेंस के हवाले से मशहूर है लेकिन पीपल्स पार्टी रूरल एरियाज में अपना वोट बैंक मेंटेन किए हुए ये बाजी की बाजी खून की है हाँ। वाली चीज तो वो वो जो है तो क्या विदिन पीपल्स पार्टी अगर उसका वोट जो वोट है वो जरदारी को डिसलाइक करता है हो सकता है लेकिन उसमें उसमें देखना पड़ेगा सर्वे के अंदर परसेंटेज लेकिन जनरली यस अगर हम वो करें तो इन लीडर्स में अगर हम देखें तो जरदारी का नंबर नीचे होगा जिसका जिस पे कोई ताज्जुब नहीं सही मतलब एक ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हम सही धोनी साहब को भी शामिल करेंगे कॉन्वर्सेशन में हम अगर कुछ पॉइंटर्स छोड़ जाए जद्दारी साहब के बारे में तो सैद गनी साहब से भी पूछेंगे लेकिन दो साल तीन साल पहले तक 2009 से पहले तक उन्होंने खान साहब के बारे में पूछा ही नहीं करते थे कि जी कितने पॉपुलर हैं उसके बाद से जब पूछना शुरू हुए तो सबसे पॉपुलर खान साहब निकले सवाल दो खड़े होते हैं पहला तो ये कि आप इनको पोलिटिकल लीडर काउंट कर सकते हैं अगर उनके ऊपर अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है और फिर दूसरा सवाल ये होता है कि अगर 2009 8 नौ सात में पूछा जाता जबकि इमरान खान साहब की अपनी सीट भी पक्की नहीं थी उस वक्त भी खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत हाई क्या नहीं होनी थी और गनी साहब जब आएंगे तो उनसे पूछेंगे पाकिस्तान पुलिस उसका जो हाल अगर उसको चौबीस फीसद लोग पसंद करते हैं तो उसके आधे पे हमारे सदर क्यों खड़े हैं आप देख रहे हैं मनाएं, बैक ब्रेक तो वेलकम बैक ब्रेक के अंदर हमें गनी साहब ने ज्वाइन कर लिया थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और मज़र साहब और मेरे लिए एक आखिरी पेज आ गया पीओ रिपोर्ट का जिसके बाद हमें पता चला कि ये जो सर्वे है इसका सैम्पल साइज है बारह सौ छः लोग इससे ज़्यादा लोग आपको जवाब दे देते हैं फेसबुक पर जब आप शो करते हैं कोई तो यानी कि हमारे पास बेहतर सैंपल है हमारे पास यानी मेरे पास नहीं किसी के पास भी इससे बेहतर सैंपल है अगर कोई फ़ोन सर्वे भी कर ले तो मेरे ख्याल से एक घंटे के अंदर इससे बेहतर सर्वे कर लेगा और दूसरी दिलचस्प बात ये ड्रोन हम लोग के हवाले से पूछ रहे हैं ये पी के लोग और इन्होंने ये सर्वे ना बलोचिस्तान में किया है ना खैर पखतुनख्वा में किए ना फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज़ में किए क्योंकि वहाँ पर हालात ख़राब हैं तो बेसिकली ये इनको कुछ नहीं पता और, और फिर एक और बात जो सितम जरीफी है वो कुछ ऐसी कि ज़्यादातर इनकी सर्वे जो है वो शहरी इलाकों में हुई है अर्बन एरियाज़ में हुई है और फिर क्योंकि इनको एहसास है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर पापुलेशन दिहाई इलाकों में रहती है रूरल एरियाज़ में रहती है लिहाजा इन्होंने किया क्या है कि उसको बैलेंस करने के लिए अगर दस शहरी से पूछा और एक रूरल एरिया के आदमी से पूछा तो उनका वजन बराबर रख दिया यानी जो दस शहरी कह रहे हैं उसको वन और फिर एक एक देहात से अगर कोई ओपिनियन आया तो उसको भी वन क्योंकि ज़्यादातर लोग देहात में रहते हैं अब ये वन इस टू टेन नहीं तो वन इस टू सेवन कम अज़ कम इन्होंने जरूर किया होगा मज़े साहब बयासी फीसद ऑफ़ दी एडल्ट पॉपुलेशन का ओपिनियन बारह सौ छः लोगों पर मुश्तमल करना जो कि गलत इलाकों से हैं उनसे ड्रोन हमलों के बारे में पूछना ये क्या सर्वे है सर देखिए मैंने ये तो देखा नहीं था लेकिन अब ये सामने आया तो मैंने जो मुझे अंदाज़ा था इससे पहले सर्वे ऐसे ही होते रहे हैं लेकिन जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तान में बाय एंड लार्ज जो इलेक्शन रिजल्ट रहे हैं इलेक्शन होते रहे हैं वो इंजीनियर्ड होते रहे हैं बैठ के तय करते रहे हैं, आज बहुत से लोग ये कह कि तो रहे तो हैं इंजीनियर्ड भी नहीं है ना सर ये तो ये सर इसको नहीं रिसर्च इंटर्नशिप सर्वे ये है कि, कि जब जब ये आपके टॉक शोज में बहुत से टॉक शोज में कल के तमाम टॉक शोज़ में ये अंडर डिस्कशन था किसी ने इस चीज़ पे बात नहीं की कि ये ये कितने लोगों पे मुश्तमिल है सर्वे ओपिनियंस ऐसी दी गई कि ये 84 परसेंट और 74 फोर ये नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि जो जरदारी साहब अनपॉपुलर शायद हो सकता है मेरे नज़दीक 12 परसेंट भी ना हो मेरा नज़दीक हो सकता है इससे इस ज्यादा गैर मकबूल हो जी वो बान लाल लेकिन सर्वे का कोई क्वान्टम तो होना चाहिए ना कोई कोई उसकी परसेंटेज तो होनी चाहिए ना आप बारह लोगों पर मुश्तमिल उनको आप क्या वो दे रहे हैं और ए, और रूरल एरियाज़ को कहाँ कह रहे हैं और जिस बारे में आपने सबसे ज़्यादा सर्वे किया है उन एरियाज में आप गए नहीं हैं मतलब तो 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 आप फोन करने की भी आप नहीं और इस्लामाबाद में बैठे फोन ही कर लेते मतलब अमेरिका से बैठ फोन कर लेते पचास मिलियन डॉलर एस स्ट्रीट बनाने के लिए दे देते हैं उसके पचास डॉलर इस्तेमाल कर लेते मतलब नहीं मुझे तो ये ताजुब रहा है कि इसको इतना सीरियस लिया गया है पाकिस्तान में

के पी के बुलुस्तान को छोड़ा ये कश्मीर भी नहीं गए गिलगित बलुस्तान भी नहीं गए नहीं सर वो तो नहीं गए लेकिन आप देखें आप ऐसे बच नहीं सकते इन्होंने ये ये बात मालूम कर लिया है कि जो रूरल एरियाज है ना वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी रहते हैं उनको सबसे ज्यादा वेट दिया है हाँ। यानी कि ये बारह सौ छः के बारह सौ छः को आप पीपल्स पार्टी का वोटर समझे और आप जवाब दें इस बात का ये चौदह फीसद फेवरेबल क्यों है भाई फीसद ये सारी वो खून के बाजी वाले लोग हैं मैं वैसे इन चीज़ों पर एक तो बिलीव नहीं करता जिस किस्म के सरवाइज आते हैं चाहे ये इससे बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएँ या थोड़े बहुत इससे अच्छे हो जाएँ कम अज़ कम मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आ, हमारा जो रिजल्ट आ जाता है वो जो इलेक्शन होते हैं अगर मुस्तकिल आप रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए कंटिन्यूसली हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है हमारा वोट बैंक इंटैक्ट रहा है तकरीबन और अभी जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें चले मॉर और लेस कहीं अगर हारे भी तो हमने अच्छे वोट ले लिए हैं जीते भी हैं कई जगहों पर और आपको शायद ये तो आपकी इंतज़ामिया को दाद नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं वरना ऐसा होता तो कहीं शोर कम पड़ता क्या

इनको होली ग्रेल रख लें अभी पाकिस्तान का थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर कॉन्वर्जेसन तो इसकी वजह यह है जो सैद साहब कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट नहीं होता क्योंकि सिर्फ उन्नीस फ़ीसद लोग जो हैं वो गवर्नमेंट और जुडिश्री के टसल के अंदर परेशान हैं सिर्फ बीस फ़ीसद हैं जो गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच में तनाव मेमो गेट के ऊपर परेशान हैं सिर्फ सोलह फ़ीसद हैं जो इंडियन इन्फ्लुएंस इन्फ्लूसन अफगानिस्तान और स्ट्रेटिजिक डेथ के मामले में से परेशान हैं नबे फ़ीसद क्राइम से तंग हैं जुर्म से तंग हैं नबे फ़ीसद नौकरियाँ ना होने से तंग हैं छियासी फीसद दहशतगर्दी से तंग है तो ये कोर ईशूज़ हैं चाहे पाकिस्तान का छोटा बेस ये ये बड़ा तीनों इशूज़ इस गवर्नमेंट को मुतासर करते हैं क्योंकि इसने कुछ नहीं और ये ये तीनों इशूज़ रिफ्लेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ने अच्छी गवर्नेंस नहीं दी उसमें इस चीज़ को और शायद हो सकता है कि जो सईद कह रहे हो वो बात दुरुस्त हो लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा रिजनमेंट पाई जाती है कि शायद हमारी गवर्नमेंट ने और किस चीज़ पर पाई जाती है इसलिए कि कोई आदमी पीपल्स पार्टी का वोटर होना हो लेकिन वो बिजली से तो मुतासर हो रहा है उसके घर में जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है हो सकता है कि वो नवाज शरीफ या इमरान खान को वोट नहीं ना दे लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी के लिए निकल के वोट ना दे घर बैठ जाए इस चीज़ पर और ऐसा हुआ है माजी में भी हुआ है कि पीपल्स पार्टी के जो जो हार्ड कोर है उसने रिजलमेंट इस तरह शो किया कि वो बाहर नहीं निकला है ये पीपल्स पार्टी और ये पहला इलेक्शन होगा देखें ये पहला इलेक्शन होगा जो भुट्टोस के बगैर होगा और, और उनकी सिंपति वे के बेनज़ीर नहीं है बेनज़ीर भुट्टो नहीं होंगी बेनजीर भुट्टो ने 88 से ऑनवर्ड्स इलेक्शन का पूरा एक पार्ट एंड पार्सल रही है उसमें वो वो खासा मुतासर करेगा कैम्पेन को पीपल्स पार्टी की जो फ़जा है जो एक्सट्रीमिज्म की फ़जा है जो उस फ़जा है वो फ़ा मुतािर करेगी पीपल्स पार्टी को जो और क्योंकि असल इलेक्शन होगा पंजाब में पंजाब में जो वोट है वो बहुत डिवाइडेड होगा अब आप किस तरीके से पी एम एल क्यू और पीपल्स पार्टी का अलायंस पंजाब में तो वोट वोट क्योंकि अभी भी देखें कि इन पीपल्स पार्टी भी गुजरात के मसले पर चौधरी अहमद मुख्तार गज़ंफर गुल कमर जमान कायरा ये बिल्कुल इसके बावजूद कि आप चौधरीज़ के साथ अलायंस में हैं लेकिन दे आर नॉट हैप्पी दे आर नॉट कम्फर्टेबल तो ये प्रॉब्लम क्यों और पीपल्स पार्टी के अलायंस में आएगी पंजाब में असल चीज़ और स्पेशली अगर वो इलेक्शन से पहले एक पूरी तो असल चीज़ ये कि इन इश्यूज को किस तरह पीपल्स पार्टी एक वोटर को सेटिस्फाई करेगी बिजली के मसले पे महंगाई के मसले पे, जो जो पेट्रोल प्राइसेस हैं ये इनके लिए बड़ा चैलेंज पंजाब में मदर साहब ये एक कार्टून बनाया था साबिर नजर साहब ने मेरे ख़्याल से फ्राइडे टाइम्स के लिए बनाया था कि वो एक हाथ से एक पटिशन ने एक हाथ पकड़ा हुआ है पी एम का दूसरी पटिशन दूसरा एक टांग से वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं और जो तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये काम ही नहीं करते तो मेरे ख्याल से कोर्ट प्रोसेस भी आप लोगों को तंग करता है मैं तो ये बात हर जगह कहता हूँ जी वो हमें पता है ठीक है अगर हमसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन लोगों को थी जो पूरी नहीं हुई हैं लेकिन उस एटमॉस्फेयर को भी देखा जाए जो हमें मिला है पिछले पूरे चार साल के अंदर पहले दिन से लेकर आज तक ालिबा कोई एक दिन या एक हफ्ता भी ऐसा नहीं होगा जिस हुकूमत ने सुकून का सांस लिया होगा किसी न किसी वजह से जो लोग फौजी आमिरों को दस दस साल बर्दाश्त करते हैं फैसिलिटेट करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं और कोई एक हर्फ उनके खिलाफ उनकी जबान पर नहीं आता जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर उनके रवैयों में तब्दीली आ जाती है तो ये अब जैसे अभी हम तस्करा कर रहे थे ब्रेक में लाहौर हाईकोर्ट में जो केस हो गया है मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये दो मकाम ऐसे हैं यहां और भी हाई कोर्ट्स हैं सही सिर्फ सर एक, एक सवाल ये नहीं कि आप अपने टॉपिक से हटें जो कि प्लीज़ हट जाएं लेकिन एक सवाल उसके साथ ये कि सही है सदर साहब जकड़े हुए हैं केसेस में सही है प्राइम मिनिस्टर साहब बारह जुलाई को मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो जाएगी एक प्राइम मिनिस्टर साहब के घर जा चुके नहीं हैं नहीं हो, हो सकता है एक प्राइम मिनिस्टर साहब घर जा चुके हैं इंटरम सेटअप इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना है अहम चीज़ें आप लोगों ने फैसला करना है लग नहीं रहा कि आपको सही है प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको लेकिन पेपको के अंडर कैसको लेस्को इनके जो चेयरमैन है इनके ऊपर तो कोई नहीं हुई सर बिजली प्रोवाइड करनी है चीजें सही मैं, मैं आपसे करता देखिए मेरी बात सुनिए मैं इस बात को तो बिल्कुल मानता हूँ गवर्नेंस के इश्यूज होंगे कई जगहों पर मैं इसको नहीं कहता कि हम कोई आइडियल गवर्नमेंट कर रहे हैं और हमारे यहाँ कोई खराबी नहीं है लेकिन अगर पांच छह खराबियां होंगी तो पांच छह अच्छाया भी होंगी जो बहुत सारे बताए मुश्किल के बगैर हमने कर ली है छोड़ा काम है बहुत बड़ा काम है ना लेकिन आप आपके छोड़ देते हैं बात यह है कि वो ऐसी चीज थी जिसमें शायद रुकावटें नहीं पैदा की जा सकती थी जहां जहां पैदा की जा सकती थी वहां वहां पैदा की गई है और आपने फिर भी काउंकर की और आप तीन आईनी तरामीम लाए बहुत खूब औरतों के लिए बहुत जबरदस्त बिल जाए डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बिल जाए एसड के खिलाफ बिल जाए ऑन द ग्राउंड एक एस एच ओ को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता एक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्को को कंट्रोल क्यों नहीं किया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सकता देखिए बात यह है कि अगर आप हर चीज पे तंग करेंगे गवर्नमेंट को हर चीज पे जो पिटिशन वाले आपने कार्टून बताया प्रैक्टिकली ऐसा ही हुआ है ऐसा ही हुआ है कि आप सुबह जो है वो जब पता चले तो एक पिटीशन होती है जब रात को सो गए तो अगले दिन उठेंगे तो दूसरी पिटीशन पता चल हो जाती है अब इसमें थोड़ी सी रिस्पॉसिबिलिटी हमारी जो मोहतरम जैसाबान हैं थोड़ा सा वो भी हमें मेहरबानी करें वो इस चीज़ को समझें जिसको आप इशू समझ रहे हैं जिसको मैं इशू समझ रहा हूँ जिस पर लोग एहतजाज कर रहे हैं कि इस मुल्क के मसाइल हैं क्या स्विस अदालतों को ख़त लिखना वाहद मसला इस मुल्क का नहीं है हमें इस चीज़ को थोड़ा सा रियलाइज़ करना चाहिए कि हुकूमत अगर चले जी हम लड़ने पर भी भी अगर, अगर तो निकाल को ठीक वो निकालते ना। आ, कोर्ट में आगे होगा मदर साहब ये ये तो बड़ा आसान है ना कहना हमारे सदर को आपने पकड़ लिया प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लिया तो हमारे जो रीजनल के अफसर हैं वो भी काम नहीं कर सकते मतलब काम नहीं हुआ है बिल्कुल हो सकता था मसला ये इसी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को भेजा था ना एन आर ओ आप आप डिसाइड कर लीजिए आप जिस एन के को आप अच्छा समझ रहे थे उससे पहले उस एन को आपने इस काबिल क्यों नहीं समझा कि पार्लियामेंट से उसको की तोसीक़ करा नंबर्स नहीं थे नहीं नंबर्स थे नंबर्स आप आ, आप अगर अपने अलाइज को राज़ी करते तो नहीं थे और अगर नहीं किया तो फिर ये तो ये इम्प्लिकेशन तो आनी थी और आपके बहुत ही सीनियर लीगल एडवाइजर्स ये आपको मशवरा दे रहे थे कि ख़त लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसमें जस्टिस फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम शामिल थे जिसमें एतज़ाज़ शामिल थे जिसमें अनवर मंसूर शामिल थे जो उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे ये सारे लोग ये कह रहे थे इस चीज़ में। आज भी कह रहे हैं लेकिन मैं, 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 मैं आज भी इस बड़े, बड़े बड़े अदब के साथ देखें जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है ना एन केस में क्या पार्लियामेंट से अगर वो मंजूर हो जाता तो क्या उस जजमेंट में फ़र्क होता उन्होंने जो वर्डिंग इस्तेमाल की एन के लिए

और वो दे, केसेस देखिये आइन ने आपको ये आपको ये रोक रखा है लेकिन अगर आप करें तो आप पे आपको पाबंद थोड़ी करता है वायलेट आप... होता है नहीं नहीं वायलेट कैसे होगा देखिए पीएम साहब इसलिए गए ये बिल्कुल ऐसा ही होता है नहीं मैं आपसे ऐसा ही होता है कि अगर अगर कोरम ना हो तो उस वक्त तक इजलास एडजर्न नहीं होता जब तक कोरम पॉइंट आउट ना हो ठीक है अगर आप पॉइंट आउट करेंगे तो फिर फिर रह सकता तो अगर आप कहते हैं कि इसके बावजूद कि मुझे इम्यूनिटी हासिल है मैं फिर भी लिखता लेकिन मैं लिखता हूँ उसमें हमारे लिए सबसे अहम है ये खत का मसला जुडिशरी और गवर्नमेंट का तनावो लेकिन नजदीक साढ़े नौ सौ लोगों को क्राइम है ना प्रॉब्लम लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला क्राइम है क्राइम बड़ा बिजली बिजली है बेरोजगारी है महंगाई ये इसमें तो ये काम कर सकते हैं ना इसमें तो किसी ने नहीं रोका था देखिए इसमें ऐसे इश्यूज नहीं थे कि जिसमें इन चीज़ों को रोक सक रोका जा सकता था मतलब और कुछ नहीं तो यार आप लिप सर्विस के तौर पे ये बात कर देते मुझे ये बताएं अगर राजा परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये कहते कि मैं वजीर अजम हाउस नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं एक आर्जी तौर पर आया हूँ इलेक्शन कराने आया हूँ यानी हम एग्जांपल्स क्यों नहीं सेट करते यूनिवर्सिटी अगर बर्तानिया का वजीर आजम टेंट डाउनिंग स्ट्रीट में रह सकता है तो पाकिस्तान का वजीर आजम जो है मतलब यूसुफ रजा गिलानी इंस्टीट्यूट का कह गए लेकिन चार साल बाद का नहीं पहले साल मैं, में अच्छी बात है जो बातें हो जाए बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं उस कमेटी में था फाइनेंस कमेटी के लोग भी थे जब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस वाला प्रपोजल आया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है तो वहाँ सब ने अपोज किया कि ये नहीं होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को नहीं रहना ना रहे लेकिन वो जिस जगह लोकेटेड है जो उसकी एक, एक सिंबलिक वैल्यू है उसको आप ये ना कि जी वाई वहाँ अगर आई का बना भी देंगे तो आपने उसको रेड एरिया वो जो रेड जोन बनाया हुआ है

गिलानी साहब ने पार्लियामेंट में रिवायत कायम की सबसे ज्यादा अटेंडेंस की ठीक ना एग्जाम्पल सेट करते हैं ना आप एग्जाम्पल सेट करते हैं आप कहते नहीं ये ये जो मेरी प्रोटोकॉल है इसको 50 परसेंट कर दें सही कहा दुनिया में दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त किसको खतरा है अमेरिकन को अमरीका में आप जाके प्रोटोकॉल देख लें लेकिन खतरा थोड़ा ब्रेक एक ब्रेक के बाद इसी इशू को कंटिन्यू करेंगे इस बात पे सबका कंसेंसस है मेरे ख्याल से स्टूडियो के सब लोगों का पीसीआर के सब लोगों द गवर्नमेंट द जुडिशरी क्राइम बिजली पैसे पानी महंगाई व्हाट दे शुड बी डूइंग और इसके अंदर कोई खतवत का मामला नहीं है वेलकम बैक एक 1206 लोगों के ऊपर मुश्तमल सर्वे के हवाले से हम बात कर रहे थे और वो सर्वे जो है ड्रोन अटैक्स के हवाले से लोगों की आरा मालूम कर रही थी और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था ड्रोन अटैक्स क्या हैं फिर इसके अंदर जब मालूम किया गया तो पता चला कि जिन लोगों से सवाल पूछे गए थे वो ना फाटा के लोग थे क्योंकि वहाँ पर हालात खराब है ना कश्मीर के लोग थे ना खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाक़े के लोग थे ना बलोचिस्तान के कुछ इलाकों के लोग थे और जो दही इलाकों के लोग थे उनके नंबर्स को ज़रा ज़्यादा स्ट्रेंथ दे दी थी क्योंकि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के दही इलाकों में रहते हैं लेकिन वहाँ पर ये सर्वे करने वाले जो साहब हैं वो जान नहीं सके थे और तकरीबन पाँच फ़ीसद इस सर्वे के अंदर गलती की जगह थी तो सईद गनी साहब मुबारक हो, शायद जद्दारी साहब को सत्रह फ़ीसद लोग पसंद करते हो बारह के अंदर पाँच में ला देते हैं गलती हो गई नहीं, नहीं की भला से वो सात परसेंट में ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये हमारे अगले साल में मेरा खाली इक्शन हो जाएंगे इन शी और ये सर्वे भी आप सामने रख लीजिएगा इससे पहले दो चार सर्वे नहीं, दो इस, इस वाले को तो, तो नहीं रखेंगे इस वाले नहीं, को भी रख लीजिएगा जो दो चार पहले आए हैं वो भी रख लीजिएगा जिन पर लोगों ने बहुत ज़्यादा बगलें बजाई थी अभी एक युग की सर्वे आएगी वो बड़ी जबरदस्त होगी वैसे मच मोर वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी सर्वे आ जाए ना इलेक्शन से पहले वो सब संभाल के रखिएगा और जब इलेक्शन के नतजा आ जाएगी तो उनके साथ उसको मैच कर लीजिएगा छियासी फीसद लोगों को टेरिज्म दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला लगती है चौरानवे फीसद लोग हैं जिनको जो समझते हैं सौ फीसद होना चाहिए दहशतगर्दी तो मसला है बिल्कुल

और नौकरियां ना होने के ऊपर जरायम और नौकरियां ना होने के ऊपर कम्प्लेंट कर रहे हैं उस मुल्क में इलेक्शन का वक्त तो आ गया है मदर साहब देखिए ये बिल्कुल एक दूसरी चीज़ है इंटरलिंक्ड है जब अनएम्प्लॉमेंट इतनी होगी तो क्राइम लाजमन बढ़ेगा ठीक क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू सच एस बिल्कुल ठीक ये तो ये तो बिल्कुल इस चीज़ को मैंने वही कहा कि इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए तो और किसी चीज़ को आप एड्रेस करते ना करते इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करते आप इसमें कि क्राइम और जैसे कराची जैसे शहर में उसमें जहाँ जहाँ जो आपकी पूरी इकोनॉमी को लेकर चलता है उसको वो प्रायोरिटीज़ नहीं दी गई उसके आप आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करते हर सूरत में कम वाट में अगर रेंजर्स रेंजर्स नाकाम है तो रेंजर्स को और वो करते कि पुलिस को आप ज़्यादा इफेक्टिव बनाते पुलिस को ज़्यादा पावर्स देते पोलिटिकल वेल्थ में वो चीज़ अब ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि जहाँ दोनों आ, अर्बन और रूरल पॉपुलेशन पौ, को रिप्रेजेंट करने वाली जमातें गवर्नमेंट में हो वहाँ क्राइम जो क्राइम रेट और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब हो तो इससे ज़्यादा और क्या रिफ्लेक्शन मतलब होती अब, है एक सवाल पीपल्स पार्टी के हवाले से अब कि क्या पीपल्स पार्टी गवर्नेंस में लैक इसलिए करती है फ्री, फ्री तो इसलिए लैक करती है इसलिए कि वो एग्रो भी है वो अर्बन भी है वो रूरल भी है वो प्रो फ्यूडल भी है या प्रो एरिस्टोक्रेसी भी है प्रो पीपल भी है तो जब भी वो कोई बड़ा आइडिया लाती है आप उसमें क्या है कि आप दो साल अगर किसी एक, एक चीफ मिनिस्टर को देखते हैं कि वो परफॉर्म कर रहा है अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो चीफ मिनिस्टर को चेंज करने में क्या आता कायम अली शाह की जगह किसी और को लाते कोई ज्यादा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आते आप यही तो होती है तब्दीली का देता हूँ देखिए एक तो हो कि हम इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट कर रहे हों और हमें कोई जो एक्सटर्नल कोई प्रेशर्स हमारे ऊपर ना हो फिर जो फेलियर्स आते हैं ना फिर वो तो ज़ाहिर यकीनी तौर पे हर आदमी महसूस करता है विद इन दी पार्टी भी होता है कि जी हमारा चीफ मिनिस्टर हमारा प्राइम मिनिस्टर Minister, हमारे मिनिस्टर्स डिलीवर नहीं कर पा रहे हो सकता है कि कई जगह पर फेलियर्स हों लेकिन जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हों तो लोगों के पास जस्टिफिकेशन होती हैं कि देखिए मैं ये करना चाहता था और इधर से ये मुझे प्रॉब्लम आ गया मैं नहीं कर सकूँ तो उसको फिर आपको कोई थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ती है कि नहीं बात तो उसकी ठीक है ये इसका प्लान था इस तरह आगे जा रहा था सामने से, मैं से, ये से तो सवाल ये आपने एक बंदे को इलेक्ट्रिसिटी की मिनिस्ट्री दे दी अब क्योंकि उनके पास आ, वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री चली गई है लिहाजा जिन साहब के पास नहीं गई उनके गांव के एक साहब को या उनके शहर के या उनके जिले के एक साहब को उसका चेयरमैन लगाना है अब जब चेयरमैन उनको लगा दिया तो एक और मिनिस्टर है जिनको आपने एडजस्ट करना है वरना वो आपकी पार्टी फोल्ड में नाराज हो जाएंगे ये सियासी तो देखिए ना नहीं वैसे एक बात आप बताओ मैं ये जो आप चीजें बता रहे हैं आप हो सकता है उसको दूसरे अंदाज में बता रहे हो लेकिन ये हर दौर में होती है चीजें बिल्कुल होती है। बजाय, बजाय होती हैं दे, मैं, मैं... देखें बेजी भुट्टो की गवर्नमेंट में सिंध में चीफ मिनिस्टर्स उतनी अपनी गवर्नमेंट में हालांकि वो दो ढाई साल रही गवर्नमेंट लेकिन ऐसा भी हुआ कि चीफ मिनिस्टर्स तब्दील हुए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कप्तान तब्दील करें ना कप्तान देखें ना कि आप आप आपकी प्रोविंस में इसमें कोई हर्ज नहीं है अव्वल तो मुझे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए मुझे कहना चाहिए कि मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा आप किसी और को चाहते इसमें यानी पीपल्स पार्टी का ही आदमी होता लेकिन कोई और आता खैबर पख्तूनख्वा में एन पी किसी और को चीफ मिनिस्टर लाती क्यों नहीं तब्दील कर सकते आप अपनी पार्टी के अंदर आप लेकिन ये तो देखें ना पार्टी के अपने इंटरनल डिसीजन होते हैं इंटरनल देखिए कई चीजें होती है ख्याल से लेकिन सवाल ये सही कह रहे हैं आप ये होता है ये रियलिटी है और ये जमहूरी पार्टी दस साल बाद जब वापस आती है पंद्रह साल बाद वापस आती है तो ये आपकी हकीकत है आपके पास जो लोगों ने काम किया है उनको एडजस्टमेंट करनी है आप लोगों ने अब ये मेरेटोरियस हो या ना हो ये अलग बात है लेकिन सर फिर ये एक ढिटाई सी आ जाती है कि नहीं इन्हीं का आदमी फिर इन्हीं का आदमी ऐसा नहीं ऐसा नहीं भी है ऐसा नहीं भी है मैं आपको कई हमारे मिनिस्टर्स के नाम बता सकता हूँ जिनके भाई ब्यूरोक्रेट्स हैं पुलिस में हैं कि मुख्तिक जगहों पर उनको हटा दिया गया है अब जब वो लग जाते हैं तब तो आप कहते हैं वजीर का भाई तो लग गया जब हट जाते हैं तो आप क्या नहीं, मेंसे, भाई, मेंसे, नहीं, कि अगर ऐसी चीजें कहीं डिलीवर नहीं, नहीं किया लोगों ने कहीं उनके अंदर खराबियां थी तो हटे भी हैं लोग ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है तो उसको फिर आप क्या करेंगे खराबी खराबी नीचे आ रही है तो ऊपर वाला कैसे उससे बड़ी जिम्मा हो सकता है मतलब मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर आपकी जगह आपकी जगह आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपकी जगह किसी और को ले आते ना मिनिस्टर्स भी तब्दील करते हैं ना बिल्कुल तो लेकिन मैं सिर्फ जस्ट एजेस नहीं फेसिंग सकता है कि दूसरा जो है वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली वो तो अभी देखें आप और मेरा मकसद सवाल का ये है कि दिखाना चाहूं कि इंपॉर्टेंट क्या चीजें

लोगों ने लगा किया जी सब लोगों अच्छा ये लोग अच्छा लोग तो नहीं कर रहे थे हम तो कर रहे थीक, थीक, अच्छा किया। अब बात यह है कि पार्टी का एक अपना सिस्टम है सीसी -सी की मीटिंग होती है उन्होंने उसके बाद असेंबली में गए में तरीके कर उसके मुताबिक कोर कमेटी ने नहीं ये आप मुझे बता दें अगर राजा परवेज अशरफ के मसले पे सीसी हुई हो देखें जी तीन नाम आए थे ना, ना, तीन सर सीसी नहीं।, नहीं।, नहीं सर सीसी नहीं हुई है आप मैं आपको आ, कोर कमेटी का मैं कोर कमेटी का इजलास हुआ है सीसी का इजलास नहीं हुआ <laughs> नहीं नहीं मैं मतलब मैं बता रहा हूं कि पार्टी का सिस्टम है कोर कमेटी का हुआ सही कह रहे हैं लेकिन मतलब पार्टी में डिस्कशन तो उस पर हुआ पार्टी ने दो नाम रिकमेंड किए इनिशियली उसके बाद कायरा साहब का तीसरा नाम आ गया फिर एक शाह मखदूम साहब के साथ एक प्रॉब्लम हो गया फिर सेकंड नाम इनका था प्रॉब्लम हो गया बहरहाल वो बना दिया गया ना उसको क्या कर सकते हैं मैं क्या तो बात करता हूँ मुझे रोक देते हैं प्रॉब्लम नहीं मैं उससे बात करूं एनएफ ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया अब ये भी तो जुल्म है ना और अभी अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम ईसीएल में डालने को कहा नहीं एएनएफ का मुकदमा डला हुआ है वो रेंटल पावर केस में ऑलरेडी डला आज

फेसबुक डॉट कॉम स्लैस सियासत पर जाके आप कॉमेंट कर सकते हैं इस सर्वे के हवाले से इस सर्वे की डिफेंस के हवाले से मेरे ख्याल से एक चीज़ है जिसके ऊपर हम सब अग्रीड हैं कि नब्बे फ़ीसद लोगों की प्रॉब्लम जो है वो जुर्म जराइम की शराह है और बिजली ना होना है नौकरियाँ ना होना है और महंगाई थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग